शिया मुस्लिम पर्सन के लिए सबसे पहले हम ही ने इस मसले को उठाया। हमने इस पर बकायदा फैक्ट फाइंडिंग की, केसेस को हमने देखा, फैमिली से मिले, इलाका थाने से मिले और जो भी एजेंसीज हैं इसमें इन्वॉल्व थी उनसे मिले और उसमें उसके बाद फिर नतीजे में कुछ लोग रिहा भी हुए, लेकिन अभी भी काफ़ी लोग जो हैं वो रहते हैं, जिसके लिए बाहर अप्रैल में 2 अप्रैल को जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपके साथ है और साथ रहेगी, साथ थी, तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं कि हम आपसे अलग नहीं हैं, ये आपका नहीं, हम सब का मसला है, ये इंसानियत का मसला है। सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट में ये कह सकती हूँ कि सिविल सोसाइटी की बेशतर तंजीमें और अफराद आप लोगों के साथ खड़े हैं और ये एक ऐसा इशू है जो हमें हमारे दिल को बहुत अजीज़ है और हमें इसकी बहुत अजियत है, तकलीफ़ है। हम उससे नहीं गुजर रहे हैं जिससे वो लोग गुजर रहे हैं, जिनके बच्चे, जिनके शौहर, जिनके भाई उठाए गए हैं, लेकिन हमें उस तकलीफ़ का एहसास ज़रूर है। और जब आप ये आवाज़ बुलंद करने के लिए 2 अप्रैल को खड़े होंगे तो हमें भी इंशाल्लाह अपने साथ पाएंगे। 2 अप्रैल को जो शिया मिसिंग पर्सन्स की तरफ से एहतजाज किया जा रहा है उसमें सब लोग भरपूर की तरह से हिस्सा लें, क्योंकि ये जो जुल्म हो रहा है हमारे मुल्क में, कहा गया था कि ये मुल्क बना है मुसलमानों के लिए मगर उसमें भी तफरीक की जाती है और ये तफरीक नाकाबले बर्दाश्त है, ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ लोगों पे देखा गया है कि कितने सारे एक साल में कितने सारे शिया मिसिंग पर्सन्स ने रहे हैं, तो ये क्यों किया जा रहा है, क्या कर रहे हैं वो, क्या रियासत के ख़िलाफ़ वो खड़े हुए हैं, क्या उन्होंने बंदूक उठाई है, क्या वो किसी को मार रहे हैं? नहीं, मैं समझती हूँ कि ये बहुत गलत है, ये जुर्म है, ये नहीं होना चाहिए और मैं शिया कम्युनिटी के साथ खड़ी हूँ और मैं भी 2 तारीख को वहाँ मौजूद होंगी। आप लोग सब आइए और हम जब सब मिल करके आवाज़ उठाएंगे तो फिर हम अपने हुकूक हासिल कर सकते हैं। 2 अप्रैल को शिया मिसिंग पर्सन्स एक एहतजाज कर रहे हैं, आप सबसे दरख्वास्त है मेरी कि आप आएँ और इनके साथ खड़े हों। मिसिंग पर्सन्स रियासती दहशतगर्दी है और इस दहशतगर्दी को चैलेंज करने के लिए आप सब आएँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 2 अप्रैल को मिसिंग पर्सन्स के एहतजाज में शामिल हों। 2 अप्रैल को जो इनका शिया बरादरी का जो धरना है, मैं और अपने तंजीम की तरफ से और तमाम माओं बहनों की तरफ से अपील करता हूँ कि हम उनकी भरपूर हिमायत करेंगे और करते रहेंगे और हर जगह हर फोरम पे हम शिया बरादरी के साथ हैं और जो भी मिसिंग हुए हैं उन सब के साथ हैं। अब जो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले उनकी मिसिंग पर्सन के हवाले से जो 2 अप्रैल को जो प्रोग्राम है इस हवाले से, तो मैं कराची PTM के तरफ से भरपूर हिमायत का ऐलान करता हूँ, आपके साथ इंशाल्लाह हम लोग शिरकत करेंगे और हमारे कहने पर जो दूसरे लोग हैं उनको भी इंशाल्लाह यही कहेंगे, क्योंकि ये मसला किसी मसलक किसी कौम का नहीं है, ये इंसानियत का मुश्तरका मसला है और इनको मुश्तरका तौर पर इत्तेहाद और इत्तेफाक करके इंशाल्लाह ये लड़ेंगे और इन रियासती इदारों ने इन रियासत पे ज़ोर डालेंगे कि खुदा रा ये गैर इंसानी, गैर कानूनी और गैर शरीफ फेल छोड़ दें। न सिर्फ मैं लेकिन वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन सिंध सुजागी फोरम मुकम्मल शिया मिसिंग पर्सन की आज़ादी का जो एहतजाज है 2 अप्रैल का, उसमें न सिर्फ शिरकत करेंगे लेकिन मेरी 3 नस्लें शिरकत करेंगी, मैं, मेरा बेटा, उसकी छोटी बेटी हैं, वो भी शरीक।